मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। लांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। जल जीवन हरियाली दिवस के अवसर पर किया गया पौधारोपण। डीएम ने जिलावासियों को जल जीवन हरियाली अभियान से जुड़ने की अपील। सात जनवरी को रामनगर आईटीआई में किया जाएगा जॉब कैंप का आयोजन। बारह जनवरी को किया जाएगा फरोगे उर्दू सेमिनार व मुशायरा का आयोजन। दरभंगा नेहरू स्टेडियम में जिला स्तरीय तरंग खेलकूद प्रतियोगिता का जिलाधिकारी ने किया उद्घाटन। दरभंगा धरना स्थल पर अभियान समिति के द्वारा सावित्री ज्योतिबा फुले की 193वीं जयंती मनाई गई। दरभंगा में डीलर एसोसिएशन का प्रदर्शन, कहा कि जनवरी का खाद्यान्न वो नहीं उठाएंगे। दरभंगा जी ने अपने कक्ष में दो अनुमंडलों को किया शराब संबंधित समीक्षा बैठक अधिकारी के साथ। घने कोहरे के छाए रहने के कारण दरभंगा एयरपोर्ट से एक भी विमान का नहीं हुआ परिचालन। यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सुदृढ़ किया जाएगा। अभियान समिति के द्वारा डीएम से बचाओ एम्स बनाओ की मांग को लेकर के आज बैठक। ठंड और ओला से कपकपाते रहे लोग, नगर निगम ने नहीं की अलाव की व्यवस्था। दरभंगा आईजी ललित मोहन प्रसाद ने बिरौल और बेनीपट्टी दो अनुमंडलों के शराब से संबंधित की गई कार्रवाई, गिरफ्तारी एवं उससे संबंधित सभी जुड़े मामलों को लेकर समीक्षा बैठक की। गौरतलब है कि माह में दो अनुमंडलों की समीक्षा बैठक आईजी करते हैं, जिसमें डीएसपी मौजूद रहते हैं। वर्ष सरकारी स्कूल के बच्चों के द्वारा तरंग प्रतियोगिता के माध्यम से खेलकूद दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है और सभी जिलों से जीतने वाले प्रतिभागी को
बिहार स्तर के तरंग प्रतियोगिता में भेजा जाता है, जिसमें कई तरह के खेल कूद का आयोजन किया गया। दरभंगा जिलाधिकारी ने इसका विधिवत उद्घाटन किया और इसके बाद सभी एक एक कर विभिन्न प्रखंड से आए हुए बच्चों से मुलाकात की एवं उनके भावनाओं का कदर करते हुए उनके मनोबल को बढ़ाया। इस मौके पर उन्होंने सबको उत्साहित करते हुए कहा, इस ठंड के मौसम के बावजूद बच्चे खेल कूद, दौड़, लॉन्ग जंप, हाई जंप सहित कई प्रतियोगिता में शामिल होकर अपने दरभंगा जिला का नाम रोशन करेंगे। गौरतलब है कि दरभंगा में विगत 4 दिनों तक चलेगा तरंग प्रतियोगिता। इसके बाद यहां से विजयी प्रतिभागियों को पटना भेजा जाएगा, जहां बिहार स्तरीय तरंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। जल जीवन हरियाली दिवस के अवसर पर आयुक्त दरभंगा प्रमंडल डॉक्टर मनीष कुमार के कर कमलों से दरभंगा समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार के समीप पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन, उप विकास आयुक्त अमरीशा बैंस, जिला परिषद अध्यक्ष रेणु देवी, उप महापौर नाजिया हसन, जिला परिषद उपाध्यक्ष ललिता झा द्वारा भी पौधारोपण किया गया। वहीं इस अवसर पर संवाददाताओं को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी राजीव रोशन ने कहा कि जल जीवन हरियाली दिवस का आयोजन राज्य स्तर पर किया गया है। सरकार के ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार के तत्वावधान में जल जीवन हरियाली दिवस का आयोजन किया गया है राज्य स्तर पे और सभी जिला स्तर पे इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरभंगा जिले से सभी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। मुख्य रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी की अवधारणा है, राज्य सरकार की अवधारणा है कि जलवायु परिवर्तन की जो चुनौतियां हैं, जिसका सीधा सीधा मानव जीवन पर प्रभाव पड़ता है, उससे निपटने के लिए हमें जीवन जीने के तरीकों में बदलाव करना होगा, विकास को पर्यावरण अनुकूल बनाना होगा। निदेशक अवर प्रदेशिक नियोजनालय दरभंगा द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया गया कि श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार के तत्वाधान में रामनगर आईटीआई लहरियासराय के कार्यालय परिसर में अवर प्रदेशिक नियोजनालय दरभंगा के माध्यम से वेलस्पून इंडिया लिमिटेड कंपनी द्वारा 7 जनवरी 2023 शनिवार को पूर्वाह्न 11 बजे से 3 बजे अपराह्न तक जॉब कैंप का आयोजन किया जाना है। उन्होंने कहा कि नियोजक द्वारा कुल 2 प्रकार के पद के लिए 250 रिक्तियां पर साक्षात्कार के बाद रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। धरना स्थल पर अभियान समिति के द्वारा सावित्री ज्योतिबा फुले और फातिमा शेख की जयंती मनाई गई। इस मौके पर नेताओं ने बताया कि इनका कार्य काफ़ी सराहनीय था। जब शिक्षा का अभाव था महिलाओं में, उस समय शिक्षा का अलग जगाया। मराठी कवित्री थी और शिक्षा के क्षेत्र में पहली महिला थी जिसने अलग जगाया था। 93 साल पहले शिक्षा की अलग जगाने वाली ज्योतिबा फुले का जन्म हुआ। ये पहली महिला थी जो विद्यालय महिलाओं के लिए खोली और ये पढ़ाने का काम किया। हमें जिलर एसोसिएशन ने कहा कि उन लोगों का दिसंबर का लैप्स कर गया खाद्यान्न, जिस वजह से अनाज गरीबों को नहीं मिल पाया। उन्होंने कहा कि सरकार उनके साथ 2 नीति रवैया अपना रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो उन्हें पिछले पेमेंट बकाया नहीं मिलेगा तो वो जनवरी का खाद्यान्न नहीं उठाएंगे और लगातार हड़ताल पर चले जाएंगे। आज पूरी तरह नारेबाजी करते हुए इन लोगों ने सरकार पर आरोप लगाए। लोग इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम लोगों की कुछ मांग है, सरकार के द्वारा जो यह नीति, गलत नीति के तहत हम लोग हड़ताल करने जा रहे हैं, जिसमें कोविड-19 के समय से ही 2020 से 21-22 वितरण कर दिए हैं, अभी तक किसी भी विक्रेता को मार्जिन मनी नहीं मिला है। दूसरा है कि दिसंबर का खाद्यान्न लैप्स हुआ है, वो पैसा जो है हम लोगों को अकाउंट में दिया जाएगा, ये तो बात गलत है। पैसा तो हम लोग लगाए थे तो वो लैप्स करवाया, उसकी कमी है। ये पैसा हम लोगों को अकाउंट में भी नहीं दिया गया है, कहा देंगे जनवरी में। इसलिए हम लोग जनवरी का वितरण मार्जिन मनी हो
या पैसा हो, जब तक हमारे विक्रेताओं को खाता में नहीं आएगा तब तक हम लोग हड़ताल पे रहेंगे। सभी 6 विमानों का टेक अवे और टेक ऑफ बंद रहा। इसकी वजह ग्राउंड लाइटिंग का नहीं होना बताया जाता है। कोहरे के कारण दिल्ली के लिए स्पाइस जेट के 2, मुंबई और बेंगलुरु के लिए 1-1 और इंडिगो के कोलकाता और हैदराबाद के लिए 1-1 विमानों का टेक अवे और टेक ऑफ नहीं हुआ। एयरपोर्ट के डायरेक्टर सत्येंद्र झा ने 1 भी विमान का परिचालन नहीं होने की पुष्टि करते हुए कहा कि करीब 1200 यात्रियों का आना और जाना प्रभावित हुआ। मालूम हो कि कोहरा के कारण वर्ष 2022 में दरभंगा एयरपोर्ट से 5 और 6 जनवरी और 22 दिसंबर और वर्ष 2023 में 2 जनवरी को सभी फ्लाइटों को रद्द कर दिया गया। रनवे की ग्राउंड लाइटिंग को लेकर एयरपोर्ट प्रशासन ने 4 बार समय बढ़ाया, बावजूद ग्राउंड लाइटिंग का काम पूरा नहीं हुआ है। इस वजह से इस वर्ष भी कुहासे में विमानों का मूवमेंट बाधित होने की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन ने ग्राउंड लाइटिंग का काम 8 मई 2021 को पूरा करने की बात कही, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ। संस्कृति में आवश्यक सुधार के लिए यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को मजबूत बनाने पर जोर रहेगा। इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय में मुख्य रूप से नामांकन और परीक्षा की कार्य प्रणाली को सुधारा जाएगा। अब यह महसूस किया जाने लगा है कि विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं के नामांकन का अनुपात दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। इसमें सुधार आने की आवश्यकता है, जिसके लिए यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को तत्काल मजबूत करने की आवश्यकता है। KSDSU के प्रभारी कुलपति और छात्र कल्याण अध्यक्ष प्रोफेसर सुरेश्वर झा ने बताया कि नए वर्ष में प्राथमिकता और के तौर पर यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को मजबूत करने की योजना है। इसके बिना विश्वविद्यालय के कार्य संस्कृति को मजबूत नहीं किया जा सकता है। वहीं आपको बता दें, नए वर्ष में यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को सुदृढ़ करने की योजना बनाई जा रही है। दरभंगा अभियान समिति के द्वारा लगातार DMCH बचाओ और एम्स बनाओ मांग के मुद्दे पर धरना प्रदर्शन जारी है। गौरतलब है कि बहादुरपुर के शोभन के पास ही 250 एकड़ जमीन को लेकर के एम्स बनाए जाने की मांग को लगातार अग्रसर एवं आवाज उठाती रही है। बरकरार रहे, DMCH को और सुदृढ़ बनाया जाए, ये हमारा संघर्ष को हम लोग संकल्पित और समर्पित हो रहे हैं 2023 के लिए, कि हम DMCH के अस्तित्व को मजबूत बनाने के लिए सरकार और एम्स भी दरभंगा में बने। हमने लोगों ने, अभियान समिति ने, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और तमाम मंत्री विधायकों को ज्ञापन दे करके नागरिक समाज ने ये कहा है। जो बात नागरिक समाज ने उठाया, आज वह बात सच साबित हो रहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसी का बयान अखबार में छपा कि अगर एम्स DMCH कैंपस में बनता है तो DMCH का अस्तित्व पर संकट आ जाएगा। दरभंगा में 3 दिनों से शीतलहर कोहरे के बीच लोगों का जीना दुभर है। इस ठंड में नगर निगम और जिला प्रशासन के द्वारा विभिन्न चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था नहीं किए जाने से लेकर मजदूर, रिक्शा चालक एवं आने जाने वाले लोगों को काफी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा है। इस ठंड की मार उन्हें मजबूर कर रही है घर के अंदर रहने के लिए, लेकिन दिन में अपने कार्यस्थल पर जाने के लिए लोग अलाव की मांग जिला प्रशासन और नगर निगम से लगातार कर रहे हैं।